हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं फिर एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने PNB One मोबाइल ऐप से पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पे ही कैसे ऐड कर सकते हैं, बेनिफिशियरी ऐड कैसे कर सकते हैं और बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अगर कोई सवाल है तो नीचे मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, जैसे ही मैंने PNB One ऐप खोला तो आप देख पा रहे हैं ये मेरे से पिन पूछेगा और मैं पिन जैसे ही डालूंगा एंटर ये तो लॉगिन कर लेगा। तो आप नीचे आके देख रहे हैं, राइट साइड में आपको, लेफ्ट साइड में आपको नीचे माई पेज दिख रहा है। यहाँ पे आपके सारे पेज आपको दिख रहे होंगे जो जो आपने ऐड कर रखे हैं ऑलरेडी। अगर पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको येलो बटन पे क्लिक करना है या ऐड करने के लिए। अगर विद इन बैंक है PNB के अंदर तो 13 से 16 डिजिट का इनका अकाउंट नंबर होगा, आपको वो डालना है। अदरवाइज आप दूसरे बैंक का कर रहे हैं तो अदर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको उसका निकनेम आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपकी रेफरेंस के लिए होगा। और नेम में वही नाम देना है जो उनके बैंक अकाउंट में है। अकाउंट नंबर कन्फर्म करना होगा, अकाउंट नंबर, IFSI कोड देना होगा, एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लिमिट आप सेट कर सकते हैं कितने अमाउंट की आपको लिमिट देनी है उसको। नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन की भी आप लिमिट सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं मैंने डिटेल डाल दी है और मैं नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करूँगा और इसे ऐड पे क्लिक करके ऐड कर लूँगा। तो ये कन्फर्म करने को बोल रहा है मुझे कि प्री कन्फर्मेशन की आपने सारी चीज़ें बिल्कुल सही दी है। तो जैसे ही मैंने इसे ऐड पे क्लिक किया तो ये मुझसे ट्रांजेक्शन पासवर्ड पूछ रहा है। जैसे ही मैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के इसको कन्फर्म करूँगा तो इस पर एक OTP आएगा मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और मैं एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा मैं इसको यहाँ पर फिल करूँगा और कन्फर्म करूँगा। तो ये सक्सेसफुली रजिस्टर कर लेगा और कहेगा कि 2 घंटे के बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपने फर्स्ट टाइम इस बेनिफिशियरी को ऐड किया है। अदरवाइज़ आपका पहले से ऐड है तो आप उसे कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मगर फर्स्ट टाइम अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आप 2 घंटे के बाद करेंगे। और ये आपको एक मैसेज भी शो करेगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कि आपने बेनिफिशियरी ऐड किया इस नाम से। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने ट्रांसफ़र पर क्लिक किया। ट्रांसफ़र में मैं आपको रेगुलर ट्रांसफ़र के बारे में बताऊंगा जिसमें RTGS, NEFT और IMPS होता है। विद इन वाले ऑप्शन से आप बैंक के अंदर, PNB बैंक के अंदर किसी का खाता है आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अदर में आप किसी और बैंक के अकाउंट में किसी का खाता है किसी दूसरे बैंक में तो उस बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं मैंने अदर को सिलेक्ट किया जिसका खाता PNB से बाहर है। उसके बाद मैंने IMPS ऑप्शन को सिलेक्ट किया जैसे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट पे ही पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अपना पे ही सिलेक्ट कर लूँगा और उसको कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। IMPS में कुछ चार्जेस लगते हैं, आप उस चार्जेस का ध्यान रखना। 10 रुपीज़ होता है, किसी में 20 रुपीज़ होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ डिटेल दी अमाउंट और उसकी और उसको कंटिन्यू किया, आगे कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद वो मुझसे एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांगेगा मेरे बैंक का, नेट बैंकिंग का, और जैसे मैं उसे प्रोवाइड करूँगा तो मुझसे एक OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो वो कंफर्म करने को बोलेगा कि OTP क्या है। जैसे ही मैं इसके अंदर OTP फिल करके कंफर्म करूँगा तो ये मुझे ट्रांसफ़र का मैसेज शो करेगा कि सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुके हैं। IMPS में जैसे ही आप ट्रांसफ़र करोगे उसी टाइम आपके सामने ट्रांसफ़र का अमाउंट दूसरे अकाउंट में पहुँच जाएगा। एंड NEFT और RTGS की केस में 30 मिनट लग जाता है, कभी कभार 1 घंटा भी लग जाता है, तो आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर दे देगा और नीचे आप जाएंगे तो आप अपनी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे सारी डिटेल्स देख सकते हैं कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन की, अपनी अपकमिंग ट्रांजेक्शन की, किस दिन ट्रांसफ़र हुआ, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ, किसको ट्रांसफ़र हुआ। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर आपको एक ऐसी वीडियो में मिलूँगा। बाय बाय।